दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गैजेट्स वाला चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ये है रेडमी 5A, यानी ये देश का स्मार्टफोन है। ये फोन आ रहा है 13 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ। मैं ये फोन तकरीबन 2 दिन से यूज कर रहा हूं और मुझे ये फोन बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस फोन की कैमरे की यूआई और फीचर्स के बारे में, साथ ही मैं करूंगा एक छोटा सा कैमरा रिव्यू इस फोन का। आपको अंदाजा लग जाएगा इस फोन की पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी के बारे में। सही में ये देश का ही स्मार्टफोन है, बहुत अच्छा कैमरा के साथ भी आता है। वीडियो देखते रहिए। Redmi 5A में आपको सामने की तरफ 5 मेगापिक्सल का फिक्स्ड फोकस कैमरा मिल जाएगा, जो आ रहा है f2.0 एपर्चर के साथ और इसमें यूज किया गया है 1.12 माइक्रोन पिक्सल, कोई भी फ्लैश नहीं दिया गया है। Redmi 5A की पीछे में 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा और उसके बाजू में ही सिंगल LED फ्लैश। ये कैमरा आ रहा है f2.2 एपर्चर के साथ और इसमें 1.12 माइक्रोन्स का पिक्सल यूज किया गया है और यहां पे यूज किया गया है 5P लेंस। अच्छा है कैमरा। और सभी रेडमी फोन की तरह ही इस फोन में आपको सेम UI मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको काफी सारी फिल्टर्स देखने को मिल जाएगा जो आपके हिसाब से यूज कर सकते हो, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। इस फोन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा और ऑप्शन पर काफी सारी ऑप्शंस मिल जाएगा। फर्स्ट जो है पैनोरामा, उसके बाद टाइमर, उसके बाद आपको मिल जाएगा ऑडियो का ऑप्शन, उसके बाद आपको मिल जाएगा मैनुअल मोड और स्ट्रेट इन भी दिया गया है, उसके बाद ब्यूटी फाई का मोड भी दिया गया है, उसके बाद नाइट मोड दिया गया है और आपको यहाँ पे स्क्वायर मोड और टिल्ट शिफ्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। काफी सारी ऑप्शंस है। सेटिंग्स पर आपको एक के बाद एक ऑप्शंस मिल जाएगा, आपके हिसाब से चुन लीजिएगा और बेहतरीन पिक्चर का आनंद लीजिएगा। एकदम ऊपर दाहिनी तरफ आपको HDR का ऑप्शन मिल जाएगा, काफी हद तक अच्छे से कम करता है ये। और आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा फ्लैश का ऑप्शन और नीचे की तरफ राइट साइड में आपको मिल जाएगा फ्रंट कैमरा का ऑप्शन। फ्रंट कैमरा भी फुल वीडियो यानी HD वीडियो में रिकॉर्डिंग करता है। कैप्चर या जो कैमरा क्वालिटी है वो इस प्राइस के रेंज से अच्छा है। और दाहिनी तरफ आपको मिल जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यानी वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हो। वीडियो में आपको ऑप्शन दिया गया है टाइम लैप्स का, पर यहाँ पे स्लो मोशन का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ सैंपल्स पिक्चर्स का और वीडियो का, जो लो लाइट पर, अंडर हेवी सनलाइट पर खींचा गया है सामने की कैमरा और पीछे की कैमरा से। देखते रहिए। लेफ्ट साइड का पिक्चर रियर कैमरा से लो लाइट में लिया गया है और राइट साइड का पिक्चर अंडर हेवी सनलाइट रियर कैमरा से लिया गया है। लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है वो डिस्टेंस से लिया गया है और राइट साइड का जो पिक्चर है वो जूम किया गया है, पर जूम करने के बाद भी डिटेल्स और शार्पनेस लूज नहीं हुआ है। दोनों ही पिक्चर अंडर हेवी सनलाइट लिया गया है और क्लैरिटी बहुत ही अच्छा है। दोनों ही पिक्चर में आपको मैक्रो शॉट का अंदाजा लग जाएगा, बहुत ही अच्छा पिक्चर क्लैरिटी आ रहा है। लेफ्ट साइड का पिक्चर लो लाइट में यानी नाइट में फ्लैश के साथ और राइट साइड का पिक्चर लो लाइट में यानी नाइट में विदाउट फ्लैश के साथ, पर रात में यानी नाइट में पिक्चर क्वालिटी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। और एग्जांपल नाइट का शॉट्स फ्लैश लाइट के साथ और विदाउट फ्लैश लाइट के साथ। दोनों ही पिक्चर्स Redmi 5A की फ्रंट कैमरा से लिया गया है। लेफ्ट साइड का पिक्चर अंडर हेवी सनलाइट में लिया गया है और राइट साइड की पिक्चर नाइट में लिया गया है। दोनों ही अच्छी आई है। दोनों ही पिक्चर इंडोर में लो लाइट में और आर्टिफिशियल लाइट में लिया गया है। लेफ्ट साइड का पिक्चर विदाउट जूम और राइट साइड का पिक्चर विद जूम, पर जूम करने के बाद भी डिटेल्स अच्छी है। दोस्तों ये है Redmi 5A का रियर कैमरा जो आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है।
इस प्राइस रेंज में शायद ऐसा कोई फोन होगा जो आपको 13 मेगापिक्सल का पीछे की तरफ कैमरा देगा और इस फोन से आप काफी बेहतरीन वीडियो शूट कर सकते हो। दोस्तों ये कैमरा फुल एचडी में वीडियो रिकॉर्ड करता है और मैं अंडर हैवी सनलाइट हूँ और ये दिन में बहुत अच्छे तरीके से या बेहतरीन तरीके से वीडियो को शूट करता है। ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो Redmi 5A का फ्रंट कैमरे से ही शूट हो रहा है और जैसे कि आपको पता है कि मैं अंडर हेवी सनलाइट हूँ और ये जो सूरज का जो रोशनी है ये मेरे फेस में डायरेक्ट आ रहा है। आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि इसका वीडियो क्वालिटी दिन में कैसा है। आपको जो फ्रंट कैमरे से वीडियो जो यहाँ पे है वो फुल एचडी में रिकॉर्ड होता है और सामने की तरफ दिया गया है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, कोई भी फ्लैश नहीं है और आपको काफी हद तक अंदाजा मिल जाएगा कि आपको जो क्वालिटी है वीडियो का वो कैसा आ रहा है। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में शायद आप भी मेरे साथ अग्री करोगे, काफी हद तक आपको वीडियो क्वालिटी मिलता है। इस फोन में टाइम लैप्स का ऑप्शन भी दिया गया है, ये है एग्जांपल। तो ये था Redmi 5A का कैमरा रिव्यू। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस प्राइस रेंज में ये बेहतरीन कैमरे के साथ आ रहा है, सही में देश का स्मार्टफोन। इस प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छा कैमरा नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा चैनल को, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए जरा वेट करें।